नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एके जी मीडिया। गई जो साइड में तस्वीर दिख रही है, आप शायद इनको तो जानते होंगे। इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री और ये बालाजी महाराज के पुजारी हैं। इनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी माइंड ट्रेडिंग को लेके, और ये इनके ऊपर ये दावा किया जा रहा था कि ये सभी की समस्या हल कर देते हैं। सच में हल करते हैं, झूठा हल करते हैं, सब कुछ अभी मीडिया पर चल रहा था। और इनका एक दरबार लगा हुआ था मुंबई में, अभी अभी हाल ही में वहाँ पर इनके दरबार के अंदर काफ़ी सारे लोग थे। इनके दरबार में चोर घुस गया और चोर घुसने के बाद उसने करीब 36 महिलाओं के आभूषण चोरी किए। आभूषण चोरी करने के बाद फरार है। उसके बाद 36 महिलाओं ने थाने में FIR दर्ज कराया। भाई जब तुम इतने बड़े माइंड रीडर हो तो उसके बाद तुमने जो चोर है उसको पता कर लेते कि ये चोर वहाँ जा रहा है, इसको पकड़ो, अलाउंस कर देते। या तो उसके बाद अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी आप बता दो ये चोर था, इन्होंने जिसका भूसड़ चोरी किया उसने इसका भूसड़ चोरी किया है। जब आप इतने बड़े माइंड रीडर हो और अंतर्यामी हो तब ये तो आपके लिए संभव है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप तो बता सकते हो ना कि किसने चोरी किया, किसने किसका सामान चोरी किया है, कहाँ पे है, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपके पास है। आप एक माइंड रीडर अंतर्यामी हो तो आप ये क्यों नहीं, यही मुद्दा है आपका। राय से क्या है ये जो चोरी हुआ है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, आपके समस्या क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री के अगर आप फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसी के साथ जरूर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।